हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे अपने आंसर्स में तो वो आपके आंसर के स्टैंडर्ड को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर देगा। अगर आप एक ग्रेजुएशन एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आंसर राइटिंग को समझना। प्लस अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जजमेंट राइटिंग, प्लेंट राइटिंग और रिटर्न स्टेटमेंट, ये सब आपको आना चाहिए। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग रॉय। मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों को लीगली अवेयर करना। आप इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल ऑन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लेटेस्ट जजमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर वो डालता रहता हूँ, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं लॉ के फील्ड में तो बेसिकली क्वेश्चंस को तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे बेस होती है, सेकंड कैटेगरी लॉ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और थर्ड कैटेगरी जिसमें जजमेंट राइटिंग, प्लेंट राइटिंग और रिटर्न स्टेटमेंट आते हैं। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जो कि थ्योरेटिकल होती है, उसमें बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ प्रिंसिपल बेस्ड पे आता है। इसमें बस आपको टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सेकंड कैटेगरी आ जाती है सिचुएशन बेस्ड कैटेगरी, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लॉ अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है जजमेंट राइटिंग, प्लेंट राइटिंग, रिटर्न स्टेटमेंट की। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस होती है। इसमें जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आपको तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करना है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन सेकंड कोर बॉडी, द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, एंड द थर्ड वन इज कॉन्क्लूजन। आपको इन तीनों एस्पेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। और अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ए लॉ या फिर आप ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट लिख सकते हैं किसी भी लॉ का जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो। इंट्रोडक्शन में आपको अपना ओपिनियन भी रखना पड़ता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट लॉ। इट आल्सो जनरेट योर आइडेंटिटी टुवर्ड्स द एग्जामिनर। और फिर आती है कोर बॉडी या मेन बॉडी ऑफ द आंसर। इसमें अपने आंसर को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब भी हम केस लॉ की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि कितने केस लॉ रिलीवेंट होंगे एक आंसर को लिखने में। तो बेसिकली देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू एस्टेब्लिश नंबर ऑफ केसेस, पर यह प्रज्यूम किया जाता है कि आप जो भी लिख रहे हो देयर इज़ ए लीगल प्रेसिडेंट बिहाइंड इट। अबाउट एन एवरेज यू कैन राइट अप टू 5 to 6 केस लॉज दैट विल बी रिलीवेंट। If there are certain idle case laws, तो वो बहुत important role play करते हैं, तो आपको idle case law भी लिखने चाहिए अपने answer को attractive बनाने के लिए। जब भी हम बात करें conclusion की तो उसमें तीन important aspect होते हैं। First is the summarized form of your answer, आपने जो भी लिखा हो उसको summarized form में बताना। Second, आपको उसमें बताना होता है आपका खुद का opinion। तो अब तक हमने समझा थ्योरेटिकल आंसर को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, कोर बॉडी एंड कॉन्क्लूजन में आप कौन कौन से पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। जब भी हम बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की तो इसमें एक सिचुएशन दी जाती है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लॉ उस सिचुएशन में अप्लाई करें। सेकेंड कंडीशन आ जाती है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पर, जहाँ पर आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं और आपको प्रिपेयर करनी है होती है जजमेंट राइटिंग या फिर प्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट। जब भी हम बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की जिसमें हमें लॉ अप्लाई करना पड़ता है, तीन चीज़ों पर हमें मेन फोकस रखना है। सबसे पहला है ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दैट लॉ, सेकेंड आ जाता है सेक्शन एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट सेक्शन, थर्ड आ जाता है उस टॉपिक का इंटर रिलेशन किसी और स्टैट्यूट से, इफ देयर इज एनी रिलेशन, वो आपको मेंशन करना पड़ता है।
इसके बाद आती है सिचुएशन बेस्ड कैटेगरी, जिसमें आपको जजमेंट लिखना है। जजमेंट में आपको तीन चीज़ों पे मेन फोकस रखना होता है, फैक्ट, देन द इशू दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड थर्ड इज द डिसीजन। जब भी हम बात करते हैं फैक्ट्स की, तो हमें फैक्ट्स को समराइज्ड फॉर्म में लिखना होता है, सो दैट द पर्सन हु इज रीडिंग इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। पूरे जजमेंट राइटिंग में मेन फोकस होता है इशू। अगर आपका इशू ठीक नहीं होगा या गलत होगा, या फिर आपने उस चीज़ पे फोकस किया है जो इररिलेवेंट है, तो आपकी जजमेंट राइटिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। वाइल गिविंग द जजमेंट उनको फोकस करना होता है सेक्शंस पे एंड रिलेवेंट केस लॉज पे। और जब हम बात करते हैं प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट की, कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं और बोला जाता है कि आपको प्लेंट लिखनी है या फिर रिटन स्टेटमेंट लिखना है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। जब भी हम प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दोनों का ही एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमें चीज़ों को फिट करना होता है। सेकेंड, इसमें कुछ लीगल पैराग्राफ होते हैं जो नॉर्मली सेम होते हैं हर एक प्लेंट और हर एक रिटन स्टेटमेंट में, माइनर चेंजेस के साथ। मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, कोर बॉडी एंड कॉन्क्लूजन पे क्या क्या फोकस रखना है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे ध्यान रखना है, एंड थर्ड थिंग, जजमेंट राइटिंग के वक्त हमको तीन एस्पेक्ट पे फुल फोकस रखना है, फैक्ट्स, इश्यूज एंड डिसीजन। और इश्यूज पे खास तौर से मेन फोकस रखना है, क्योंकि अगर आपका इशू ही रिलेवेंट नहीं है, तो जजमेंट राइटिंग काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक एज वेल। अगर आपको जजमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई हैव पोस्टेड सम रिलेवेंट जजमेंट्स ऑफ 2020। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।